राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाने वाले एक संदिग्ध को दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला है। हाल ही में बाटला हाउस इलाके में उसने अपना ठिकाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक एनआईए की जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। एनआईए को पता चला कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा फैला रहा है। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि यह न सिर्फ पूरी तरह से रेडक्लाइस है, बल्कि आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआईएस का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। संदिग्ध की पहचान मोहसिन अहमद के रूप में हुई। वह बिहार का रहने वाला है। इस दौरान आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह बटला हाउस में रह रहा था। स्वतंत्रता दिवस के पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली। देश की राजधानी दिल्ली के बटला हाउस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।